पृथ्वी पर कहां और कितनी बारिश होगी अब ये चीन के लिए जानना आसान हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सैटेलाइट बनाई है जो पृथ्वी पर बारिश को मापने में मदद कर सकती है। इस सैटेलाइट का नाम है फेंगयून 3G और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट 6 साल तक काम करेगी। FI-3G चीन की पहले सैटेलाइट है जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बारिश की निगरानी कर सकेंगे। इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के एक संस्थान ने बनाया है और इसके ग्राउंड सिस्टम को चीन का मौसम विभाग बनाएगा और संचालित करेगा। मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख चेन जेनलिन का कहना है कि फेंगयून सीरीज के 20वें सैटेलाइट FY-3G से मौसम से जुड़ी चीन की लो ऑर्बिट सैटेलाइट के समूह की ताकत का पता लगेगा। साथ ही वैश्विक तूफानों से जुड़ी शुरुआती चेतावनी देने की क्षमता में काफी सुधार होगा। इससे पहले बारिश के बारे में जानकारी का पता जमीन पर मौजूद रेन गेज और रडार से चलता था। हालांकि उपकरणों की कमी और आसमान वितरण की वजह से बड़े पैमाने पर सटीक जानकारी हासिल करना मुश्किल हो गया था। जमीन पर मौजूद डिवाइसेस में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष की सैटेलाइट इस कमी को दूर कर सकते हैं। वो उन जगहों का डाटा भी ला सकती है जहां ग्राउंड पर आधारित माप नहीं किया जा सकता। बारिश पर नजर रखने और शुरुआती चेतावनी की सटीकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने FY-3G पर बारिश मापने वाला डुअल फ्रिक्वेंसी रडार भी लगाया है जो सैटेलाइट को 407 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी बूंदाबांदी की सटीक जानकारी दे सकेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 महीनों में FY-3G इन ऑर्बिट टेस्ट से गुजरेगा और आने वाले बाढ़ के मौसम में बारिश और आंधी जैसी मौसम संबंधी आपदाओं की चुनौती का सामना करेगा। चीन के पास फिलहाल ऑर्बिट में मौसम से जुड़ी कुल 8 फेंगयून सैटेलाइट है जो 126 देशों और इलाकों को अपना डाटा और सेवाएं दे रही है।